ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਠੰਡ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक होने का सिलसिला जारी है लोग बड़ी गिनती इतने नतमस्तक होने सवेर सार ही पहुंचे संगत की आमद जी है वो 24 घंटे है इतने ठंड का कोई असर नहीं गा इतने 12 बजे तो आके संगत जी अंदरली सुखी सेवा और फिर सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी का अंदरला इनान और कवाड़ खुलने मैं समझदा कि 24 घंटे इतने संगत जी है वो आके जिठे सभे थाव नहीं तुद जिहा बदो पुरख बधा तेता तू सोहया इस महान मुकदस स्थान के दर्शन जी वो लगातार करते रहते ठंड का कोई असर नहीं और इतने बहुत वड्डा प्रबंध श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर और इस तरह इतों के मैनेजर साहबान और इतों के मुख्य सकत्र साडे धामी हरजिंदर सिंह जी धामी और सारे ने बड़ा प्रबंध किया है इतने हमने अंदर आपां जे जाना है तो गर्म पानी और इस तरह धोने गर्म पानी टाट प्रबंध किया सारा